मैं एक गंभीर विषय ये संसद में उठाना चाहता हूं महोदय। एक दिन पहले घर से फोन आया और फोन करके मैंने जब सुना कि घर के सामने पुलिस है, फिर मैंने जब पता किया वो जो सुरक्षा के लिए पुलिस घर में आए थे, उड़ीसा के सांसद और विधायकों के घर के सामने पुलिस है। उस कारण यह है महोदय कि उड़ीसा में और मेरे क्षेत्र में किसानों का आंदोलन चल रहा है। जिस समय प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, जिस समय किसान जाके मार्केट यार्ड में धान बेचना चाहिए, वो राजरास्ता में बैठे हुए हैं। नेशनल हाईवे महोदय आज जाम है, विधायकों का घर जाम है, कलेक्टर ऑफिस, सब कलेक्टर ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस सब जाम है। और कारण यह है महोदय कि वहाँ टोकन सिस्टम शुरू किया गया है कि टोकन लोगे तो जाके धान बेच पाओगे। ये यहाँ नहीं चलेगा महोत्सव, फास्ट कम फास्ट सार बेसिस में पहले जैसा होता था। मैंने आज पूछा महोदय, कोई भी प्रदेश में टोकन सिस्टम नहीं है प्रोक्योरमेंट, सारा दुनिया में कहीं भी प्रोक्योरमेंट सिस्टम नहीं है। जो उड़ीसा में शुरू किए हैं महोदय, किसान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। आप ही आखिर उम्मीद हो महोदय, मैं आपकी तरफ आपकी ओर से आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं महोदय, आप अगर निर्देश करोगे केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उड़ीसा सरकार से बात करना चाहिए, उड़ीसा में ये टोकन सिस्टम समाप्त करना चाहिए और तुरंत चाषियों को किसानों को कैसे धान बेच पाएंगे और उसका मूल्य पाएंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी,